थे आपका, आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शोएब। चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है, आप जानते हैं कल इलेक्शन है पहले फेज का, और इसी कवर करते हुए हम लोग पहुँचाए हैं सहारनपुर में। और सहारनपुर के इस समय हमारे साथ पूर्व विधायक जो MLC हैं समाजवादी पार्टी के, उनके साथ हम मौजूद हैं। इनका नाम उमर अली साहब हैं, उमर अली खान साहब हमारे साथ पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के उमर अली खान साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। किस आधार पर लोगों से आपने सपोर्ट मांगा है? देखिए, हमारे यहाँ पर मेन जो है तीन चीज़ों की ज़रूरत है जी, सड़क, बिजली, पानी, और ये अहम ज़रूरत है। ख़ास तौर से सहारनपुर का जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर अभी भी बहुत बुरा हाल है, पानी की बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एक घाट इलाका है उसके अंदर पानी 400 फुट 500 फुट के ऊपर जाके पानी आता है। एक नलके का बोरिंग का खर्चा 3-4 लाख रुपए का करीब बैठता है, हर आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। पिछले समाजवादी पार्टी सरकार ने बहुत कोशिश करी और हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी नलकूप लगवाए, लेकिन हमारा जो इलाका है ये डार्क जोन में आता है। हमारे यहाँ पर नए बोरिंग सरकार नहीं करवा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये हम लोग चाहेंगे हमारी इंशाल्लाह गवर्नमेंट बने, गठबंधन की सरकार बने, हमारा MP बने और हम लोग यहाँ ज़्यादातर हमारे यहाँ बोरिंग कराएं, नलकूप लगवाएं। पानी की दिक्कत है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल की दिक्कत है, हमारे यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं रहा। पिछले सरकारों ने सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के दूसरा काम नहीं करा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे यहाँ आज तक कभी हमें कोई अच्छी कोई रोड वगैरह या जो भी है स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि अब सेंट्रल के अंदर भी गठबंधन सरकार बनने जा रही है, हमारे MP यहाँ जीत रहे हैं, अच्छे वोट से इंशाल्लाह जीत कर जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पर एक अच्छे कॉलेज वगैरह आए, अच्छे डिग्री कॉलेज आए, अच्छी यूनिवर्सिटी कोई आए, कोई बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर आए, तो यही हमारी प्राथमिकता है। सर, क्या लगता है आपको, जैसा गठबंधन हुआ है, RLD में हुआ है और BSP में हुआ है और सपा में हुआ है, क्या इनके वोटरों के बीच भी गठबंधन हो पाया है? चूंकि मेन दिल मिलना हुआ, अगर वोटरों में, चूंकि कुछ समय पहले आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, सपा और बसपा की अदावत किसी छुपी हुई नहीं है, लेकिन अब गठबंधन हो गया है, तो क्या वोटरों गठबंधन हो पाया है? अब प्रत्याशी को उससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, और यहाँ का मुकाबला क्या त्रिकोणी होते हुए भी दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, सबसे बड़ा सबूत तो मैं हूँ जी, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी BSP से हैं जी, और परसों हमारे यहाँ पर अभी 3 दिन पहले एक भेंट के अंदर हमारे यहाँ पर जलता था, उस जलसे के अंदर हमें उम्मीद ये थी कि हम लोग 2-4 हज़ार आदमी वहाँ जमा करेंगे, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है 10-12 हज़ार आदमी वहाँ मौके पर पहुँच गया, जिससे BJP घबरा गई। एक हमारे यहाँ छोटी BJP भी है जो कांग्रेस जिसको कहा जा रहा है, इन लोगों ने इतना घबरा गए कि हमारे पे वहाँ पर मुकदमे लिखवा दिए, हमारे फर्जी मुकदमे करवाए गए हमारे से, जबकि मैं समाजवादी से हूँ और हमारे प्रत्याशी BSP से हैं, लेकिन सब समाजवादी वालों पर मुकदमे तक लिखे गए। इसका मतलब ये कि समाजवादी चुनाव जो है वो BSP का समझ के नहीं लड़ रही, वो अपना समझ के चुनाव लड़ा जा रहा है। तो गठबंधन जो है वो यहाँ पे कार्यकर्ताओं में भी है, हमारे नेताओं में भी है और हमारी पार्टी में भी है। सर, अभी चुनाव आयोग में आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज हो गया है मायावती जी के ऊपर, उन्होंने मंच पे खुले मंच से उन्होंने कहा था मुसलमानों का वोट न बढ़ने पाए, इस पे क्या कहना है? देखिए, अब ये सब के सब तो पॉलिटिकल मामले हैं, आप भी समझ सकते हैं कि कौन कहलवा रहा है, कौन मुकदमे करवा रहा है, कौन दबाव में है, जब कोई मुद्दा नहीं है, इशू नहीं है, मुकदमा नहीं, नोटिस आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस से मुकदमा नहीं है, जो भी है वो सब आप दिलवाए जा रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं कि ये सब पॉलिटिकल एक सब मामले हैं, अपने इतना बड़ा कुछ विश्वविद्यालय को लेकर के क्या कार्य करेंगे अगर आपके प्रत्याशी यहाँ जीतते हैं? चूँकि सहारनपुर जो है बहुत ही पुराना जिला है और यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय की कमी है, नौजवानों की मांग है, डिमांड है, आज जमाने की शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छी बेहतर शिक्षा होगी तभी लोग जो है आगे बढ़ेंगे, रोजगार प्राप्त करेंगे और आगे बड़े पदों पर जाएंगे, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये डिमांड तो हमारी भी रही है जी, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं गठबंधन के वो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं कि पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पर जल्द ही कोई वो लोग इसको। प्रधानमंत्री का सर प्रत्याशी कौन हो सकता है गठबंधन से? वो हाईकमान जाने, आपका पसंदीदा, दिल की बात करते हैं यहाँ पे, न कि राजनीति की बात, अगर दिल से अगर करें, आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप किसको चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री 2019 में इलेक्शन के बाद बने? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हम चाहेंगे अखिलेश यादव साहब बने जी, हमारे नेता हैं, हमारे लीडर हैं, और हमारी पूरी दुआ भी है कि गठबंधन का PM बने और या बहन जी बने, हम दोनों में से कोई भी एक हो तो हम। वोटर कहते हैं सर कि हम तो तैयार हैं, गांव की भाषा में एक बात कही जाती है कि बाराती तो तैयार है लेकिन दूल्हा ही गायब है, मतलब ये कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार यहाँ पे घोषित नहीं हुआ है पूरे भारत में, खासतौर से गठबंधन को लेकर के,
जो घोषित ऐसे हो जाए आरएलडी से भी, इधर जो है बीएसपी से, इधर सपा से, और सभी प्रधानमंत्री सब विरोधी जो है आरोप लगाते हैं कि सपा या गठबंधन में तो कई जो है दूल्हे हैं, कई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो पहले तय कर लें कि प्रधानमंत्री होगा कौन, उसके बाद वोट मांगे, यही तो आरोप लगता है। मेरे ख्याल से आरोप गलत लगा रहे हैं, किसने उम्मीदवारी तो अभी तक किसने घोषित करी नहीं है, किसने ठगबंधन का भी, ये इस गठबंधन को ठगबंधन का भी नाम दिया जाता है। देखिए ये वो एक कहावत सुनी है आपने गाँव में कि खेतियानी बिल्ली खम्बा नोचे, है ना, कल तक जो और दूसरी पार्टी ठगबंधन के नारे लगा रही है, ये अगर गठबंधन में आ जाते तो गठबंधन था, इनकी मांगें पूरी नहीं की गई, इन लोगों को साथ नहीं लिया गया तो ये आज ठगबंधन बता रहे हैं। और हमारे किसी नेता ने नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन में जो टीम, जो भी लीडर को चुना जाएगा, जो भी पार्टी, जो सब लोग अपने एमपी चुनेंगे, वो सबको माननीय होगा। क्या लगता है अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी वहाँ तक पहुँच जाती है सरकार बनाने के लिए, तो क्या आपकी पार्टी सपोर्ट कर सकती है कांग्रेस को? देखिए वो हाईकमान का मामला है, ठीक है, लेकिन हम आपको बता देंगे कि हम यूपी से 75 के करीब सीटें इंशाल्लाह जीत कर जाएंगे गठबंधन। सर्वे जो अभी तक हम लोग सर्वे आया, उस सर्वे में तो आपके पार्टी को यानी गठबंधन को लगभग 55-60 सीटें जो है दी जा रही हैं अभी तक, सारी सर्वे जिसमें चाहे हम लोग चैनल को हो चाहे और चैनल को हो, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा है, सर्वे तो आजकल सब आपको मालूम है, कोई बता रहा है 75, कोई बता रहा है 60, कोई बता रहा है 65, तो खुदाई दावे तो हम नहीं करना चाहेंगे कितना, लेकिन हमें इंशाल्लाह उम्मीद है, जो हम पब्लिक की हवा देख रहे हैं, जो एक रुझान है जनता का गठबंधन की वजह से, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी 75 करीब सीटें आएंगी। तो जनता आपको मौका दे, ऐसा आपको कहना है, किस बेस पे मौका मांग रहे हैं आप, ऐसा कौन सा बड़ा कार्य सोचा है आपने कि जीतने के बाद सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? मैंने बताया, सबसे पहला सवाल आपका वही तो था जो मैंने जवाब दिया था, विश्वविद्यालयों को लेकर, सड़क, बिजली, पानी, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, और हमारे यहाँ जंगली इलाका है, हमारे यहाँ पे जंगल बहुत हैं, तो वहाँ फॉरेस्ट एरिया है, तो उसके अंदर अक्सर आग लगती रहती है, तो वहाँ फायर ब्रिगेड की फैसिलिटीज़ हो, फायर स्टेशन हो। ये सर आपकी उपलब्धियाँ एक बार दिखाई दे रहा कैमरा में, से मैं कहूँ दिखाएं आप, ये सर आपके जो ये व्यापार मंडल छोटकुलपुर से, ये आपको लोगों ने सम्मान किया हुआ, सम्मान से नवाजा है, ये लोगों की मोहब्बत है, आप देख सकते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक जी हैं, उमर अली खान साहब हैं, और समाजवादी पार्टी से रहे हैं, इनसे हमने बात की, इन्होंने हमारे हर सवालों का जवाब बहुत ही सधे हुए अंदाज से दिया, और इन्होंने कहा है कि अगर हमारे प्रत्याशी यहाँ जीतते हैं और या सरकार में अगर हमारी भूमिका या हम अगर सरकार बनाते हैं अगर या हमारी सपोर्ट सरकार बनती है, सबसे पहले हम रोजगार, बिजली, पानी, सड़क और विश्वविद्यालय, जिसकी मांग यहाँ के नौजवान लगातार करते हैं, उस पर गौर करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर आपका बात करके, धन्यवाद आपका, शुक्रिया सर आपका, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए इंडिया पोस्ट, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।